दोस्तों नमस्कार। आप सब बार बार पेट पेट हर एक की शिकायत है, मिड पोर्शन एब्डोमेन इतनी शिकायत है कि बढ़ गया वेट, यहाँ से लूज वेट लूज नहीं होता, या मस्कुलर बनाना है या बॉडी बिल्डर्स के लिए इतनी बढ़िया ट्रेनिंग गारंटी है मेरी, 15 से 20 दिन करो फिर मेरे से बात करना, आ जाओ देखो। मैं बात कर रहा हूँ एब्डोमेन की। कई बार हमारे पास कुछ चीज नहीं होती और एक बेड ही होता है, अपने बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हो, क्योंकि दीज आर दी स्मॉल ट्रेनिंग टिप्स विच कैन कन्वर्ट योर फिजिक। सबको पेट की सबसे पहले शिकायत है, इतनी आसान एक्सरसाइज बता रहा हूँ, लेडीज जेंट्स बच्चे बूढ़े सबके लिए, इवन बॉडी बिल्डर्स के लिए भी। जो फिट बॉडी बिल्डर्स हैं वो कैसे करें बाकियों को मैं बताऊँ, चलिए। बॉडी बिल्डर्स ना भी हैं तब भी करें। देखिए अगर आपके पास ये स्टूल नहीं है, वैसे जिम में आप होंगे तो ठीक है, नहीं है तो अपने बेड पे भी कर सकते हो। चलो मुकेश जी चलो स्टार्ट। पहले स्लो 1 2 3 4 5 रिलैक्स। ये अगर मुकेश जैसा लेवल है तो 10 10 15 15 के सेट हो सकते हैं। पहले स्लो फिर फास्ट, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये ऐसे 3 से 4 5 सेट कर सकते हो आप, लेकिन शुरुआत में पहले बोल रहा हूँ, या मेरी एज के हैं या जिन बच्चों ने नहीं शुरू किया कभी एब्डोमेन का वर्कआउट, तो इससे शुरू करेंगे ना तो आपको बहुत फर्क, वो सिर्फ एक एक दो दो सेट करें 6 से 7 रैप। मेरी गारंटी अजमाई हुई बात बोलता हूँ मैं, जब भी करता हूँ एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। अब इसमें एक और भी है, जब ये एडवांस लेवल के लिए है, छोटे बच्चे नहीं, अगर छोटे बच्चे करेंगे मुकेश जी आप लेग रेज करो, अगर छोटे बच्चे हैं बस यहाँ तक उठाएं, यहाँ तक थोड़ा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि इसमें कमर में भी जोर आएगा अगर आप टेढ़ा पड़े। मुकेश एक बार फिर करके दिखाओ, छोटे बच्चे यहाँ तक करें या एजेड वाले। अब मुकेश का लेवल जब है तो पहले चलो मुकेश जी स्लो 1 2 3 4 5, अगर अच्छा लेवल है तो 8 9 10 तक ले जाना है। अब फास्ट चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। ये जो ट्रेनिंग्स हैं छोटी छोटी उनको अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। आपको कभी मान ली, मैं सिर्फ जिम की बात नहीं करूंगा कि जिम वाला हूं हमारे पास आओ तो नहीं होगा, आप अपने घर पे भी कर सकते हो। लेकिन ये मुकेश जी आपको मुकेश कैसा फील हुआ? बिल्कुल जबरदस्त, ऐसी ट्रेनिंग है कि आपके एब्डोमेन के मसल आ जाएंगे। एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, बच्चों ने बड़े क्वेश्चन आए, किसी का इंटेस्टाइन खराब हो गया है, किसी को अल्सर हो गया। मेरे दोस्तों अगर आपने करेले का बीज बोया है तो आम कैसे आ सकता है? जो आपने इंटेक कर लिया एक बार, जो कर्म है मैं उसको जोड़ रहा हूँ कर्म से, जो हमने अंदर इंटेक कर लिया है, मैंने अगर किसी को गाली दी है मुझे एक दिन मिलेगी, सो जो आपने इंटेक किया है वो बैड कहीं ना कहीं तो निकलेगा। देखिए आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, आप यूरिनल ज्यादा आता है, स्टूल आता है, ऐसे ही वो दवाई कहीं ना कहीं तो निकलेगी जो आपने गलत लोगों से गलत कोचिंग से। मैं किसी कोच को गलत नहीं कह रहा, हर कोच अपना बेस्ट करना चाहता है, लेकिन कभी कभी उसको इतनी नॉलेज नहीं होती और वो जीवन खराब कर देता है। सो दैट्स व्हाई टेक इट इजी, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन बॉडी बिल्डिंग। अगर आप दुनिया में ही नहीं रहे तो बॉडी बिल्डिंग करेगा कौन? अच्छी फिजिक करके टाइम इन्वेस्ट करो, टाइम इन्वेस्ट करो। मुकेश बिकेम मिस्टर ओलंपिया इन द एज ऑफ 47 में, सुरेंद्र बिकम वर्ल्ड चैंपियन इन पावर लिफ्टिंग इन द एज ऑफ 44। मैंने इसका बेटा भी दिखाया है, मुकेश का बेटा भी दिखाया है, सेकेंड जनरेशन आ रही है। अब वो अपने बाप फादर को देखते हैं तो उनको होता है यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा, पर टाइम 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 लगेगा, टाइम इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, टेक इट इजी, पेशेंस, गॉड ब्लेस। द्रोणाचार्य दाजी की तरफ से नमस्कार, थैंक यू।